subscribe to Arnav Kumar Singh channel and press the bell icon to get the latest amazing educational videos first. Hello friends, मैं अर्णव कुमार सिंह, मैं अपनी बात को स्वामी विवेकानंद के कहे हुए कुछ शब्दों से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे करें तैयारी बोर्ड परीक्षाओं की, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं अनुभवी, अपने समय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले वरिष्ठ छात्र राहुल आर्या जी। तो जानने के लिए देखते रहिए कैसे आप अपनी परीक्षाओं में 90% से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो अब आ रहे हैं हमारे बीच राहुल आर्या जी, जो अपने अमूल्य अनुभव से अवगत कराएंगे। Hi Arnav. Hello. आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्णव कुमार सिंह में। Thank you Arnav. Thank you for inviting me in your channel. और जितने भी दर्शक इनके चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाते हैं ये। और I am a huge fan of yours. और thanks, thanks. हाँ तो राहुल आर्य जी, हमारे दर्शकों और छात्रों के सामने अपना परिचय दीजिए। Hi friends, मेरा नाम राहुल आर्य है और मैंने अपनी बोर्ड की परीक्षा पहली बार 2014 में दी थी और फिर उसके बाद 2016 में मैंने इंटर की परीक्षा दी और उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को आज मैं आपको बताऊंगा। दिन रात मेहनत करके 90% अंक लाने वाले राहुल आर्या जी अब बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की थी। देखिए गाइस, ऐसा है कि जब मुझे बोर्ड एग्जाम देना था तो मेरे पास समय बहुत कम था, तो इसके वजह से मैंने हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क का सहारा लिया और स्मार्ट स्टडी की, अपने जितने भी पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हर सब्जेक्ट्स के उसको क्लियर किया। और मैं रोज़ सारे सब्जेक्ट पर इक्वली टाइम देता था, ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ देता था, सब पे इक्वली टाइम देता था क्योंकि बोर्ड है और आपको चूँकि रिटर्न एग्ज़ाम देना होता है तो सब पे समय देना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को जो जिस पे आपकी पकड़ मजबूत है उसको आप छोड़ नहीं सकते, आप उसको भी साथ में लेकर चलिए। हाँ, उस पे भी आप उतना ही टाइम दीजिए जितना आप पहले देते थे। ऐसा नहीं है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपकी पकड़ उस पे ढीली होने लगती है और फिर वो उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं रह पाती। और जितना आप पहले समय देते थे सारे सब्जेक्ट्स पे उतना ही दीजिए। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर। हाँ तो आप दोस्तों आप देख ही रहे हैं, राहुल आर्या जी ने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, इसीलिए इन्होंने 90% अंक हासिल किए। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राहुल आर्या जी, आप किस प्रकार हमारे युवाओं को सलाह देंगे कि ये बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार पढ़ें? तो अर्णव, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं उन सभी यंगस्टर स्टूडेंट्स को यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बोर्ड परीक्षा से घबराएं नहीं, उसका डट कर सामना करें। और मैं ये सलाह दूंगा आप सभी को कि अगर आपने अभी तक कोई टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल नहीं बनाया है तो आपको ज़रूरत है उस टाइम शेड्यूल को बनाने की और उसे फॉलो करने की। अगर आप ऐसा करते हैं, उस टाइम शेड्यूल को ठीक तरीके से आप फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही मैं दावा करता हूं कि आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम। मैं उन सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को ये भी सलाह दूंगा कि अब हमेशा प्रिपेयर रहना होगा आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए। एनी टाइम एनी वेयर एंड एवरीबडी वी हैव टू रेडी फॉर एनी एग्ज़ाम। हाँ तो हर क्वेश्चन की तरह राहुल आर्या जी ने इस क्वेश्चन का भी बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये है कि बच्चे मैथ और साइंस से बहुत ही घबराते हैं, तो राहुल आर्या जी आप बताइए बच्चे किस तरह मैथ और साइंस की परीक्षाएं पास करें? देखो अर्णव, मैथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को कि आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सेम कंडीशन मैथ पे भी लागू होती है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपकी उतनी अच्छी होगी। और साइंस के लिए कहना चाहूँगा कि आप साइंस के लगभग हर एक चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उसके न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दें। ऐसी बात नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप न्यूमेरिकल लगाना ही छोड़ दें, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और बायो में ये कहना चाहूँगा कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, पूरी थ्योरी उसकी पढ़ें, हर एक चैप्टर्स की थ्योरी आपको याद रहें। और अंतिम समय में आप
जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, उसको अच्छे से पढ़ लें। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आप साइंस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो राहुल आर्य जी से मिलके हमें बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे छात्रों और दर्शकों को, लेकिन अब इनका विदा होने का समय आ गया है और जाते आते मैं इनसे निवेदन करूंगा दो शब्द हमारे दर्शकों और छात्रों को कहते हुए जाए। सबसे पहले तो अर्णव, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे अपने शो पर बुलाया और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे छात्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे अपना एग्जाम अच्छे से दें और घबराने की जरूरत नहीं है, और उनके लिए शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, वे अपना एग्जाम अच्छे से दें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए अर्णव कुमार सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो सर, अगर सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद, मिल जाएंगे वीडियो।